और केवल पंजाब च 3 लाख नौजवान ने जिन्हां लोगों ने नीट का एग्जाम दिता है। घर बर्बाद हो गए, पैसे लग गए, बच्चों को तैयारी करवाउंदे, लेकिन पेपर लीक ने सब कुछ उन्होंने सपने चकना चूर करते। देखो 50 साल 41 बार पेपर लीक हो गया। साजिश है देश के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान और लुधियाना तो संसद मैंबर राजा बड़िंग हिरासत में ले लिया है। पंजाब कांग्रेस वालों नीट प्रीख्या में हुई गड़बड़ी के मामले में चंडीगढ़ में रोस प्रदर्शन किया जा रहा। इस दौरान पुलिस ने राजा बड़िंग और होर कांग्रसी आगुओं हिरासत में ले लिया। इस मौके पत्रकारों गलबात करदे राजा बड़िंग ने कहा कि 5 साल 41 बार पेपर लीक हो चुके हैं, इस नाल लोगों के सुपने चूर चूर हो रहे हैं। राजा बड़िंग ने कहा कि यह करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है। नरेंद्र मोदी 3री बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, पर अजे तक देश में पेपर लीक होने का सिलसिला बंद नहीं होया। उन्होंने कहा कि असी भाजपा के दफ्तर वाल जा रहे थे, पर आप ही पुलिस ने उन्होंने हिरासत में ले लिया। भविष्य का सवाल है, 23 लाख नौजवानों के भविष्य का सवाल है, हजारां लाखों मां बाप का सवाल है, और केवल पंजाब 3 लाख नौजवान ने जिन्हां लोगों ने नीट का एग्जाम दिता है, और मैनूं लगता कई सारा कुछ लग गया, घर बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गए, पैसे लग गए, बच्चों को तैयारी करवाउंदे, लेकिन पेपर लीक ने सब कुछ उन्होंने सपने चकना चूर करते। देखो 50 साल 41 बार पेपर लीक हो गया। देश के प्रधानमंत्री अजे पेपर लीक नहीं कर सकते, रोक सकते। साजिश है देश के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 41 बार पेपर लीक हो गए, अभी तक देश की सरकार पेपर लीक नहीं रोक सकी। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है बिहार से, इसी कड़ी के साथ। भाई बिहार से कुछ लोगों को गिरफ्तार करने से क्या होगा, लाखों करोड़ों लोग हमारे इस आड़ में बर्बाद हो गए। 23 लाख के पीछे 5-5 लोगों के अगर लगाएंगे तो कितने लोग जाएंगे, ये करोड़ के ऊपर के आंकड़ा हो जाएगा। साजिश क्यों की जा रही है बार बार, पहला नीट दे पेपर दी गल नहीं, बाकी ए साजिश ता तुसीं बीजेपी सरकार दे लोगां पुछो कि ये नलायकी ते नकामी क्यों हो रही है। सो इस पासे छात्रों के साथ जो गलत हुआ, जो धांधली हुई, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुई है। धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार विफल है, एनडीए ने पहले आते ही देखिए सबसे पहला काम जो ये हुआ, और ये जो नीट का एग्जाम था, ये बच्चों का 4-4, 5-5 साल बच्चे तैयारी करते हैं और उनके परिवार इससे जुड़े होते हैं। ये भारत का भविष्य था, अगर भारत के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, 24 लाख स्टूडेंट इससे आहत है, उनके परिवार आहत है। इसमें मामला जैसे सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उस कोर्ट में मामला गया। हम तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा चाहते हैं बीजेपी सरकार का, ये फेलियर है। इतनी बड़ी धांधली अगर ऐसे एग्जाम में हो रही है, तो पहले प्री प्लान था। एक वीडियो पहले ही बिहार से सामने आती है, जिसमें कि साफ एक आदमी क्लेम करता है 1 महीने बाद ये एनडीए के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में चोरी होगी, नीट के एग्जाम के पेपर बिकेंगे। कैसे आप एक ही सेंटर के 6-6 जज्जर के साथ साथ 6-6 बच्चे 720 नंबर आ रहे हैं, उनके सारे बिका हुआ पेपर बिके हुए थे पहले, ये सारा स्कैम था। और ये सरकार कैसे चैलेंज कर रही है कि हम सलाखों के पीछे लोगों को डालेंगे जिन्होंने गलत किया। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, कोई लोग नहीं पकड़े गए। कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि जिनके बच्चे क्लियर हो चुके हैं वो दोबारा एग्जाम क्यों दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्यों दोबारा एग्जाम होना चाहिए। जो बच्चे 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? एक एक पेपर पैसों में बिका, साफ साफ महसूस होता है। कभी तक आज तक हिस्ट्री के अंदर 3 बच्चों से ज्यादा किसी के टॉप एग्जाम नहीं आए, किसी ने टॉप नहीं किया था। पहली बार 67 बच्चों ने 720 में 720 नंबर दिए, 650-640 पहले आते थे, कभी टॉप किया था, 3 से ऊपर किसी ने टॉप नहीं किया। आज तक के इतिहास में 1 साल में 3 से ऊपर टॉप नहीं किया, और एक ही साल में 67 और 6 बच्चों के रोल नंबर भी मैच कर रहे हैं। साफ धांधली है, और नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। सरकार को नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 30 तारीख को शायद वो मन की बात कर रहे हैं, मन की बात में ये भी बोलना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, शिक्षा मंत्री से गलती हुई, और हम इस्तीफा लेंगे। चंडीगढ़ तो पत्रकार हरदीप बिरक, रशविंदर धालीवाल की रिपोर्ट।